हेलो दोस्तों, एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम और एक टूल के बारे में बात करेंगे। टूल यानी नया टूल नहीं है, बहुत पुराना ही टूल है, ठीक है। और जैसे आप जानते हैं, हम सारे प्रोग्रामर में डील करते हैं और बढ़िया सपोर्ट के साथ हम टूल देते हैं, ठीक है। और अपने एक भाई भी आए हैं, बहुत दूर से आए हैं अपने से टूल लेने के लिए, और उनको हम पूरा सपोर्ट के साथ उनको कैसे स्टार्टिंग काम करना चाहिए प्रोग्रामिंग को लेके, ठीक है। जो जैसे अपना केटैग हो गया, जैसे अपना केटीएम हो गया, जैसे अपना केस हो गया, तो हम उसके अंदर उनको पूरी की पूरी इनको हम ट्रेनिंग देंगे और इनको सेटिस्फेक्शन करके हम उनको भेजेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और हम इनको पूरा सेटिस्फेक्शन करके, हाँ, इनको दिल में ये आना चाहिए, हाँ, जमीर भाई से लेने के बाद हमें सपोर्ट मिलेगा, कहीं भी अटकते हैं तो जमीर भाई सपोर्ट करेंगे बोल के, ये हम इनको दिमाग में डालेंगे, ठीक है। और हम सारे टूल में डील करते हैं, जैसे कि प्रोग्रामर हो गया, देख सकते हैं आप, हम सारे प्रोग्रामर में डील करते हैं, केस हो गया और अपना सेंसर टेस्टर हो गया, थिंक टूल का सारा प्रोग्रामर हम सेल करते हैं, थिंक टूल का सारा हम डायग्नोस्टिक टूल हम डील करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपना थिंक टूल मास्टर हो गया, रीडर हो गया, रीडर एचडी हो गया, कमर्शियल का और 12 वोल्ट का और 24 वोल्ट का सारा हम डील करते हैं। और अपना जो रहता है वो रहता है सिर्फ और सिर्फ जीनियन आइटम और जीनियन सपोर्ट के साथ, ठीक है दोस्तों। और अपने पास KT200 भी फुल ऑफ स्टॉक में है, थिंक डेक चाहिए थिंक डेक भी अपने पास अवेलेबल है, और रेड यूपीए चाहिए रेड यूपीए भी अपने पास अवेलेबल है, और अपने पास सारा का सारा डायग्नोस्टिक टूल हो गया, और अपना जितना भी प्रोग्रामर हो गया सारे में हम डील करते हैं, ठीक है दोस्तों। आज हमारे पास आए हैं गदग से सर, कन्नड़ा में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं कन्नड़ में कन्नड़ा में, हिंदी में बोलूं? हाँ हिंदी में बोलो। हाँ, हाँ, आप किधर से आए हैं सर? मैं गदग से आया। गदग, कर्नाटक, अपना कर्नाटक स्टेट ही कर्नाटक है वो, कर्नाटक गदग से है ये। गदग से आए हैं। तो आपका क्या ऐसा अचानक आपका इस लाइन में आने के लिए इंटरेस्ट आ गया? मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ बस, ये तो काम तो चलो पूरी जिंदगी भर अपने को काम करना है, ठीक है। अचानक आपके दिमाग में ऐसा क्यों आ गया हम केटेक लेके कुछ काम कर सकते हैं? क्योंकि देखो, हर टाइम में टेक्नोलॉजी हर टाइम के साथ बदलती रहती है। आज जो हम काम कर रहे हैं, कल जाके ये अपग्रेड हो जाएगी। ईवी, अभी इसके बाद जितने भी गाड़ी आएंगे सारे के सारे ईवी के साथ कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हम मैकेनिक जो गलती क्या करते हैं, जो पहले के काम थे वो कर रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ टाइम का अपग्रेड नहीं हो रहे, ठीक है, वो जहां पे हैं वहीं पे ही रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पहले का काम है उसको भी करना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ आगे जाएंगे, तब जाके अपना कुछ चार पैसे हम अपने को मिलेंगे, है ना? सही बात है ना? सही है, सही है। आप बोलो, आपके दिमाग में ऐसा क्यों आ गया? वही अभी जो बोले है ना वही है। हम तो स्टार्टर डायनामिक के काम करते थे। अभी तो नया नया मॉडल के गाड़ी आ छोड़े, तो हाँ, अपग्रेड होने के लिए मैं इधर ये आया है। ले रहे हैं, ठीक है। और एक बात आपको मैं सवाल करता हूं, आपने कभी भी केटैग यूज किया है? नहीं, यूज नहीं किया, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम। आपको उम्मीद है हमारे एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल के वर्क से आपको इसका पूरा सपोर्ट मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, मैं 100% पूरा मिलेगा। पूरा रिसर्च करके ही आया आपके पास। देखो, अभी कोई भी बंदा उतनी दूर से आ रहे हैं बोले तो बिना रिसर्च के कोई भी नहीं आते, हाँ है ना? तो उतनी दूर से आप आए, और हमारा मोटिव क्या है, कोई भी बंदा, देखो पैसा सबके पास है, कहीं ना कहीं तकलीफ से वो ले रहा पैसा, कोई भी पैसा, 10,000 का टूल हो या 1 लाख का टूल हो, तो वो पैसा जमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है ना? तो वो मेहनत सही जगह पे लगाना, सही बंदा मिलना। टूल देखो, आपको अमेजोन से भी मंगा सकते हैं, कहीं से भी मंगा सकते हैं, मगर मेन आपका मोटिव ये रहना चाहिए, हाँ, जमीर इधर से लेने के बाद आपको सपोर्ट सपोर्ट मिलेगा, कहीं पे अटकते हैं तो जमीर भाई उसका सपोर्ट करें, सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह हम ऐसा ही करेंगे, वो इसीलिए ही हम इधर आए ठीक है। सपोर्ट बहुत के लिए, अच्छी बात है। मेन सपोर्ट आपका के जितना भी मैं जो आपको ट्रेनिंग देना है, जितने इससे मैं मुझे
आपको ट्रेन करके भेजना है वो मैं 100% आपको ट्रेन करके भेजूंगा, ठीक है। इसका कोई मैं चार्ज नहीं लूंगा आपको, जो मेरा टूल का प्राइस है वही मैं लूंगा आपको 101%। आपको भले जितने आपको चाहे ईसीएम, ठीक है, सब में एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, जितने आपको चाहे ईसीएम उतने ईसीएम में आप एक्सपेरिमेंट करो। आपको दिमाग में एक बार करो, दो बार करो, 10 बार करो, 100 बार करो, जब तक आपको हाँ मैं आज सीख गया तब आप लेके जा सकते हैं, ओके सर, ठीक है। ओके। हमारे पास सारे ईसीएम पड़े रहते हैं, जो चाहे आप उठा के काम कर सकते हैं। ये पूरे आपके लिए ही रखा हूं मैं, ये सब ठीक है जितने भी ठीक है इसम पड़े हैं सारे आपके लिए ही मैं रखा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है अभी सर, आपका ओके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो चुका है, अभी मैं ओके इसी वीडियो में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने का बता देता हूं। हेलो दोस्तों, देखो इसके अंदर हमने सीडी डाल दिया है, इसके अंदर एक सीडी आएगी, इसके अंदर एक सीडी आएगी, ठीक है, इसके अंदर एक सीडी आएगी, हमने इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया है। और क्योंकि बहुत सारे भाई बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने का तरीका क्या है, ठीक है, अभी हमने इसको कॉपी कर लिया है, यानी दिखाता हूँ आपको, जो इसका सीडी हमने डाला था, सीडी के अंदर ये सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है। हम इसको कॉपी किए और हमने इसके अंदर पेस्ट किया, अभी ऑलरेडी मैं कॉपी कर चुका हूँ, इधर हमने इसको पेस्ट किया, ठीक है। तो इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर आ जाता है, अभी हमने इसका सॉफ्टवेयर हमने इधर ले लिया, अभी हम इसको करेंगे डबल क्लिक ओपन करेंगे, अभी हम इसको ड्राइवर इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, देख सकते हैं अभी इधर ड्राइवर है, ड्राइवर को इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। इसके अंदर आपको Windows 7, 8, 9, 10 के अंदर आपको चल जाएगा, सॉरी 9 आया है नहीं आया पता नहीं, 7, 8, 10 के अंदर चल जाता है, विंडोज इलेवन के ब्रेकफास्ट अंदर का आपको नहीं चलेगा। मतलब अभी मैं ब्रेकफास्ट इसका का ड्राइवर जो है वो इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ, ड्राइवर को इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, बिना इंस्टॉलेशन के आप ड्राइवर केटेक चला नहीं सकते। दिखाता हूँ आपको, देखो शुरू से बताता हूँ आपको, कैंसल एंड ऑफ सेटअप, देखो आपको केटेक का सॉफ्टवेयर ओपन किए तो इधर ड्राइवर बोल के लिखा दे रहा है, ड्राइवर को डबल क्लिक किए, इधर ड्राइवर यूएसबी, ठीक है, इसको हम डबल क्लिक किए, ऐसा कुछ इंटरफेस आता है, तो आप हम इसको इंग्लिश, अपनी जो लैंग्वेज रहती है इंग्लिश रहती है, तो हम पढ़ने का नहीं आता है तब भी हम इंग्लिश इंडिया के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। हम इसको करेंगे ओके, और यह पूछ रहा है नेक्स्ट, ये जो भी है इसको आप नेक्स्ट करते जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट, देख सकते हैं अपना ड्राइवर ये इंस्टॉल हो रहा है, देख सकते हैं ये इंस्टॉल, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। देख सकते हैं मेरा ड्राइवर सक्सेसफुल, देखो इधर लिखा आना चाहिए बीन हिज बीन सक्सेसफुल, ठीक है, अभी ये सक्सेसफुल सक्सेसफुल हो चुका है, अभी हम करेंगे फिनिश, ठीक है। ये वाला कोई ऐसा कोई मायने नहीं है, करना है तो कर सकते हैं, नहीं भी करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम करने की कोशिश करेंगे। बस केटैग आप सॉफ्टवेयर इसके अंदर डालें, डालने के बाद आपको ड्राइवर में जाओ, ड्राइवर में जाके दो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दो, बस खत्म, आपका जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। और विंडोज 10 में यूज़ कर रहे हैं तो आपको एंटीवायरस बंद करना पड़ेगा, ये विंडोज 7 है तो इसके अंदर कंपनी से इंटरनली कोई ऐसा एंटीवायरस आता नहीं है, विंडोज 10 के अंदर एंटीवायरस आता है उसको बंद करना पड़ता है, इसे कोई बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ये हो गया, इंस्टॉल हो चुका है, अभी हम करेंगे इसको बंद, ठीक है, ये अपना हो गया। अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये ड्राइवर दोनों हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, और एक बार मैं करूँगा अपना सिस्टम रिस्टार्ट, ठीक है, अपना सिस्टम जो है वो एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना केटैग लेना है, केटैग लेने के बाद इसका जो हार्डवेयर रहता है ये आपको रखना है, और इसका जो डेटा केबल रहती है, खोलो ये, इसको रख दो साइड में, ये हमने लगा दिया है, ठीक है, जो इधर डेटा केबल है हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और लैपटॉप के साथ हमने लगा दिया है। जब तक ये वाला हम इसके अंदर नहीं लगाएंगे, जब तक आपका सिस्टम के अंदर केटेक का सॉफ्टवेयर नहीं ओपन होएगा। अभी अपना जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट हो चुका है, पहली बार की बात कर रहा हूँ, जब आप पहली बार आप इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे की बात कर रहा हूँ, अभी अपना हो चुका है इंस्टॉल, ठीक है, थोड़ा सिस्टम पूरा रिफ्रेश हो रहा है क्योंकि अभी हमने इसको रिस्टार्ट दिए थे।
देख सकते हैं इधर एक अपने आप एक चीज आ गया, ड्राइवर सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। ठीक है, अभी हम इसको करेंगे, केटेक का जो सॉफ्टवेयर रहता है इसको हम डबल क्लिक करेंगे। इधर केसियोस बोल के एक सॉफ्टवेयर रहता है, इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, अभी हम फीचर वाला जो है उसको बंद कर देंगे। ऐसा आपका इंटरफेस आ चुका है, यानी अभी रेडी है, रेडी टू यूज है। ठीक है, और एक दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ऐसी दिक्कत आएगी तो क्या हो सकता है। देखो अभी ये रेडी टू यूज, ठीक है, अभी ये शुरू है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने का यही तरीका है, सही तरीका। और दूसरी बात, बाय मिस्टेक आपका क्या बोलते हैं, आपकी केबल ख़राब हो गई। ठीक है, आपकी बाय मिस्टेक आपका 1% भी आपकी वायर ख़राब हो गई तो आपको कैसा इसके अंदर एरर आएंगे आपको बताता हूँ। अभी मान के चलो ये वायर ख़राब हो गई, अभी ये इसके अंदर मैं नहीं कनेक्ट किया हूँ, या केबल ख़राब हो चुकी है, या ड्राइवर उड़ गया है, तब आपको केटैक ओपन करेंगे तो क्या देखने को एरर मिलेगी। देख सकते हैं ऐसी आपको एरर मिलेगी, तो आप समझ लेना चाहिए मेरी केबल ख़राब है, या तो मेरा सॉफ्टवेयर के अंदर ड्राइवर उड़ चुका है, या तो मेरा सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर है, तभी ऐसी दिक्कत आती है। देख सकते हैं तभी ऐसी दिक्कत आती है, या तो इसके अंदर ये जो वायर है ये कनेक्ट नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसको करूँगा कनेक्ट, अभी मैं इसको करूँगा कनेक्ट, इसको बंद करूँगा, दोबारा इसको बंद करूँगा और इसको ओपन करूँगा। देख सकते हैं जब इधर आपका स्किप बोल के आएगा तो समझ जाना ये अपना रेडी टू यूज़ ओके है यूज़ करने के लिए। हम बंद कर देंगे पीछे वाला। ठीक है फ्रेंड्स, यही मेरी आपको इंस्टॉलेशन का अच्छे तरीके से वीडियो बनाने का पर्पज़ था, हमने बना दिया है, आप आराम से इसमें यूज़ कर सकते हैं, और आते आते आपको अच्छे अच्छे वीडियो आते जाएंगे। अभी मेरा जो काम है इनको समझाने का, जैसे इनको समझाना है वो मैं समझाऊंगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।